अब्दुल हनान रो रहा है कि मुझे भी जाना है जुमा पढ़ने साथ। इल्ली गाने नहीं सुनते, आप अभी से इतने गाने सुनती हो। अगर आपने ये चेक करना हो ना कि आपकी सीट बेल्ट ठीक है या नहीं ठीक, ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, तो इसका यही है कि आप इसको झटके से। यार ये तो किसी कव्वे ने दुश्मनी निकाली है कोई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहत अमीद एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है जुमा और टाइम हो चुका है 12:30 का, 1:30 बजे जुमा है। फटाफट से जुमे की तैयारी करते हैं और जुमा पढ़ने चलते हैं। जुमे की तैयारी से पहले मैं लेने आ गया हूँ कच्चे चावल, क्योंकि आज बनने हैं चावल, ऊपर ख़त्म हो गए थे, तो अब इस बाल्टी में डाल के ऊपर ले जाता हूँ। हाफ की बाल्टी ठीक है, ये ना हो कि बाद में मेरे से उठाई ना जाए। ये आ गए मेरे कपड़े, नहा धोकर मैं हो गया तैयार, और अब्दुल हनान रो रहा है कि मुझे भी जाना है जुमा पढ़ने साथ। ये अभी ना उधर जाके ठहरता नहीं है, इसलिए अभी हम इसको लेकर नहीं जाते। ये एक दफ़ा लेकर गए थे लेकिन इसने तंग करना शुरू कर दिया था, और अब ये अपने पापा के साथ से बाहर घूमने के लिए जा रहा है। जुमा की जमात खड़े होने में 5 मिनट रह गए हैं, फटाफट से चलते हैं मस्जिद। A few inches later. जुमा पढ़ के हम लोग आ चुके हैं घर वापस। अब्दुल हनान साहब टेरेस पर फंसे हुए हैं और अब बाहर से आवाज़ें दे रहा है कि मुझे इधर आना है, कह रहा है कि मामा ही खोले चाचू ना खोले। बकरी जिद है आपकी, देख लो सब लोग देख रहे हैं, आ जाओ अंदर। नहीं। हाँ जी अब्दुल, खाना टाइम हो गया। अलाया मैडम भी अपने बाबा के साथ आकर बैठ चुकी हैं। पीछू पीछू पीछू। खाना हमारा आ चुका है, खाने में बनी है आज मजेदार सी चिकन बिरयानी। मैं भी बना लेता हूँ अपनी प्लेट, मेरी प्लेट हो गई है तैयार। मजेदार बिरयानी बनी है, बहुत मजे की, तो मैंने दूसरी प्लेट भी तैयार कर ली है। अच्छा, गला आपका पहले खराब है और ऊपर से ठंडी स्प्राइट पी रहे हो, दोबारा से खराब हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा अब्दुल, आपने राइस खाया या बस बोतल ही पी है? बस बोतल। आपके साथ खेला खेला कर रहे हैं। खाना शाना खा लिया है, बिरयानी बहुत ही मज़े की लजीज बनी थी। ठीक है, लगता है इसने कोई कार्रवाई डाल दी है, अब इसे चला भी नहीं जा रहा। अब अंदर गर्दन नीचे फेंक के खड़ा हुआ है। वैसे उन लोगों के लिए मशवरा है जिनके बच्चे छोटे हैं कि जैसे ही वो 6 मंथ या 1 ईयर के हो जाएं तो उनको पिस एंड पॉप ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। अच्छा, बिल्ली गाने नहीं सुनते, आप अभी से इतने गाने सुनती हो, इतने शौक से गाने नहीं सुनते होते। गुल्ली मता इतनी तू, गुल्ली मता रहती नहीं मेरा गुल्ला मता। स्माइल चेक करो जरा, लगते गुची दा बेल्ट तू पाया, तने कुड़ तन मसवाया, वे अलग ही टोर हुंदी साडी, अलग ही टोर हुंदी साडी। अभी ये 8 मंथ की हो गई है, बट अभी तक इसने दांत नहीं निकाले, टीथ ला के दिया हुआ है, चबा रही है, जल्दी जल्दी टीथ निकाल लो, अभी अंदर ही फंसे हुए हैं। मैं अभी जा रहा हूँ पुराने घर, और आज मैं पुराने घर बाइक पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा गाड़ी पे, क्योंकि अगर ये गाड़ी काफ़ी दिनों तक खड़ी रहे ना चलाओ तो ये गुस्सा भी कर जाती है, बाद में चलती भी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन को तो मैंने दिखाई थी, वो कह रहा था कि आपकी बैटरी के साथ ना आपका एम्पलीफायर कनेक्ट है, अटैच है, तो वो थोड़ी थोड़ी सी पावर लेता रहता है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़े दिनों बाद इसको स्टार्ट करते हो तो ये फिर स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद धक्का लगाना पड़ता है, फिर स्टार्ट होती है। खैर एक ही दफ़ा अभी तक तो इसने तंग किया, ज़्यादा तंग तो नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़े दिनों बाद ना इसकी सलफ़ वगैरह मार के या तो वैसे ही खड़ी कर देता होता हूँ, या फिर इसको थोड़ी बहुत गेड़ी शेड़ी लगवा देता हूँ। डेली तो गेड़ी शेड़ी लगाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, अब तो बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल तो ऐसे जा रहा है ऊपर जैसे पता नहीं स्वाब है ऊपर जाना। एहतियातन मैंने इधर ईंट फंसा दिया ताकि ये गेट बंद ना हो जाए गाड़ी बाहर निकालते हुए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, गाड़ी में बहुत ज़्यादा हीट हुई है, अभी इसकी गैसेस वगैरह बाहर निकाल लेते हैं। अब कर देते हैं गेट को बंद, चल एंड साइड पे हो जाए, चल भाई। अब चला लेते हैं इसका एसी। आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, बहुत से लोगों को पहले भी पता होंगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, मुझे भी रिसेंटली पता चली है।
अगर आपने ये चेक करना हो ना कि आपकी सीट बेल्ट ठीक है या नहीं ठीक, ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, तो इसका यही है कि आप इसको झटके से खींचें। अगर तो ये लॉक होती है मतलब कि ये परफेक्ट काम कर रही है लाइक दिस। ये देखें उधर ही रुक जाती है। अच्छा गाड़ी हो चुकी है ठंडी, अब चलते हैं सीधा पुराने घर। 5 minutes later मैं पहुंच चुका हूं पुराने घर और गाड़ी कर दी है मैंने पार्क। गाड़ी को करते हैं बंद, पहले एसी बंद उसके बाद करते हैं गाड़ी को बंद। बहुत गर्मी है भाई साहब, फटाफट से चला लेते हैं एसी। इन पेपर्स को देख के याद आ गया कि साल पहले मैंने फाइल तैयार करवाई थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लेकिन मैं फाइल जमा करवाने नहीं गया था तो ये अभी तक इधर ही पड़े हैं। अब दोबारा ये तो एक्सपायर हो गया फाइल, अब दोबारा से जाके इसको रीन्यू करवा के दोबारा से अप्लाई करता हूँ क्योंकि अभी तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। शाबाश बेटा, इसका भी काम करते हैं किसी दिन। फहद मियां चनू का लगा हुआ है मैच, आज वो खेलने गए हुए हैं सियालकोट और ये लास्ट ओवर चल रहा है। इन्होंने अभी पिछली बॉल पे लगाया है छक्का, 2 बॉलों पे 2 छक्कों पे 5,000 का इनाम है। भाग गया छक्का, अब लास्ट बॉल है जी, अब अगर इस पे छक्का लगा तो 5,000 पूरा। ओ शॉट छक्का छक्का और जी ओ शहजादिया, आवाम की तरफ से भी इनामात की बरसात की जा रही है। काम शाम कर लिया है, गाड़ी काफ़ी देर हो गई है, मैंने ना बाहर से वॉश नहीं करवाई, वैसे तो ऊपर ऊपर से खुद ही साफ़ कर लेता हूँ, लेकिन नीचे इसके काफ़ी मट्टी लगी होगी क्योंकि बारिशें हुई हैं काफ़ी, तो नीचे गारा वगैरह जमा होगा। टाइम तो वैसे हो गया रात का, तो अभी चल के देखता हूँ अगर तो कोई कार वाश वाला मिल गया तो उधर से इसको वाश करवा लेते हैं, और इधर कोई जानवर लगता अपनी टिकटॉक भी फेंक दी इधर। खैर अभी चलते हैं उधर और देखते हैं, अगर तो कोई कार वाश वाला खुला हुआ तो उधर से वाश करवा लेंगे और उसके बाद घर जाऊंगा, अदरवाइज़ फिर सीधा ही घर चले जाएंगे अगर वो ना ओपन हुआ तो। सो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं कार वाश वाली जगह पे और इधर गाड़ियां पहले तो धुल रही हैं, जाके पता करता हूं कि अगर तो वाश कर देंगे तो इधर से ही करवा लेता हूँ मैं। वाश वालों ने इस टाइम बंद कर दिया है और वो कह रहे हैं कि सुबह ही आना। आर वाश वाला भी कह रहा होगा कि बड़ी जल्दी नहीं टाइम मिल गया तेनों, बड़ी छेती आ गया। मैं पहुंच चुका हूं घर वापस। यार ये तो किसी कव्वे ने दुश्मनी निकाली है कोई। ओए ओए ये तो जम चुकी है, इसको गीला करके उतारना पड़ेगा। फाइनली आपके भाई ने बिट कर दी है साफ, हैंड वॉश कर लेता हूँ क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। रात के खाने में बिरयानी खा ली है और लाइट इस टाइम बंद है, और हमारा यूपीएस कोई 20 के दिनों से ख़राब हो गया है, उसको वारंटी क्लेम के लिए दिया हुआ है बट अभी तक वो सेट होके आया नहीं है वापस, पता नहीं कब आएगा। कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं और वजाहत भाई जा रहे हैं वॉक पे। जहाज साहब इस दफ़ा इस वाले मीटर पर 200 से ज़्यादा यूनिट नहीं जाने चाहिए, चेक कर लो कितने हो गए इस वाले। अगर तो 200 के करीब है ना तो जाके शिफ्ट कर देते हैं इसे। 200 के करीब करीब यूनिट पहुंच गए, अब जाके चेंज ओवर से मीटर को चेंज कर देते हैं। एक मीटर को तो 200 से नीचे रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर तो टैक्स वगैरह ना लगे। शाबाश बेटा, दरमियान में रख के थोड़ी देर स्टे देना इसे और उसके बाद नीचे करना, फुल नीचे जाने दो। यस हम तो वॉक करके भी आ गए हैं, हम आ गए हैं वॉक करके, चलो अंदर चलो अंदर चलो गेम खेलें। आजा 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 जा के एसी चलाओ और ठंडी बहा लो। चलो भाग जाओ ऊपर। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।